hello everyone today i am going to teach you a very interesting and a very important concept that is chamber of commerce and industry students this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of internal trade so students as we know that internal trade is one of the most important aspect of country's economy and students we are very well versed with this particular thing that healthy trade sector indicates a healthy economy सो स्टूडेंट्स इन इंडिया देर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू लुक आफ्टर द वेल बींग ऑफ इट स्टेट सेक्टर बट स्टूडेंट टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड देर आर सम एसोसिएशन विच हैव बीन सेटअप टू स्ट्रेंथन द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंट्री सो स्टूडेंट दिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द एसोसिएशन विच लैंड अल्पिंग हैंड टू द गवर्नमेंट जिससे कि आपकी इंटरनल ट्रेड जो है कंट्री की और भी मजबूत हो सके ओके तो so स्टूडेंट देखते हैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या होता है ओके सो स्टूडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर जनरली वॉलेंट्रीली एसोसिएशन ऑफ पीपल हु आर लिंक्ड विद द बिजनेस स्टूडेंट वॉलेंट्रली एसोसिएशन का मतलब है यहाँ पे बिजनेस खुद से एक एसोसिएशन सेटअप करते हैं स्टूडेंट जितने भी लोग बिजनेस से जुड़े होते हैं जैसे कि आपके बिजनेस हो गए आपके सीए हो गए आपके बैंकर हो गए आपके ब्रोकर हो गए आपके जितने भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं वो सब मिल कर के एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं जिसे हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं ओके इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द बिजनेस एंड बिजनस मैन स्टूडेंट ये एसोसिएशन बेसिकली बिजनेस और बिजनेस मैन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाया गया था मेनली ब्रोकरस बैंकर्स इंडस्ट्रलिस्ट आर अमंग द मेम्बर लिस्ट ऑफ़ द एसोसिएशन सो स्टूडेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर जितने भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं वो मिल करके ये एसोसिएशन फॉर्म करते हैं इसमें आपके बिजनेस मैन आ जाते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रलिस्ट आ जाते हैं बैंकर्स आ जाते हैं ब्रोकरस आ जाते हैं बेसिकली ये सब इस एसोसिएशन का हिस्सा है ये सब इस एसोसिएशन के मेम्बर्स हैं द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ दिज एसोसिएशन आर डेट दे डू नॉट जस्ट लुक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ वन इंडस्ट्री बट फॉर द होल बिजनेस कम्युनिटी, स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो हैं वो सिर्फ एक इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को लुक नहीं करते हैं एक इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को सेफ करने के लिए वर्क नहीं करते हैं ये पूरी बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफ और प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि खाली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो सेफ गार्ड कर रहे हो या सिर्फ कह लीजिए सर्विस और टूरिज़्म इंडस्ट्री को ये सेफ गार्ड कर रहे हो या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है ये किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट नहीं करते हैं ये बल्कि पूरी बिजनेस कम्यूनिटी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करते हैं जो लोग बिज़नेस लाइन में हैं जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं ये उन सभी लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफ करते हैं ओके स्टूडेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आर एट रीजनल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो हैं वो आपको हर जगह दिखेंगे रीजनल लेवल पे भी दिखेंगे नेशनल लेवल पे भी लिखें दिखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखेंगे ये आपको हर जगह दिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट एट रीजनल लेवल वी हैव बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको हर एक रीज़न पे अगर आप बॉम्बे चले जाइए तो बॉम्बे में जितने भी लोग बिजनेस करते होंगे उन सब का एक एसोसिएशन होगा जो बिजनेस मैन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करता होगा अगर आप बेंगाल चले रहे तो बंगाल में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे होंगे उन सब ने एक अपना एसोसिएशन फॉर्म किया होगा जिससे कि वो बिजनेसमैन या बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें सेव कर सके सो बेसिकली स्टूडेंट ये हर एक रीजन में अवेलेबल होता है बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डेली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा ओके स्टूडेंट एट रीजनल लेवल दीज एसोसिएशन लुक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ़ बिजनेस कम्युनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन स्टूडेंट एक पर्टिकुलर रीजन में जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज़ होते हैं ये उन सारे बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं उनको देखते हैं ओके okay. यहाँ पे स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एक रीज़न के बिजनेस मैंस को या बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट एट नेशनल लेवल वी हैव द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसको हम एफ आई सी सी आई बोलते हैं एन अदर वी हैव एस एच एन अदर वी हैव सी आई आई सो बेसिकली स्टूडेंट नेशनल लेवल पर भी हमारे नंबर ऑफ़ एसोसिएशन फॉर्म किए गए हैं जो कि बिज़नेस के और बिज़नेस से जुड़े हुए लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करते हैं एट नेशनल लेवल दीज एसोसिएशन सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ़ बिजनेस कम्युनिटी ऑफ द होल नेशन स्टूडेंट पूरे नेशन के बिज़नेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ये पर्टिकुलर एसोशिएशन जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं और उसे देखते हैं ओके okay? सो स्टूडेंट एट इंटरनेशनल लेवल वी हैव इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन फ्रांस सो बेसिकली स्टूडेंट ये जो इंटरनेशनल लेवल पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिज़नेस कम्युनिटीज होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करता है सो so स्टूडेंट ये पर्टिकुलर चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज जो हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं बिजनेस और उनसे जुड़े हुए लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए सो ए स्टूडेंट लेट सी अबाउट सम ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अवेलेबल इन इंडिया ओके सो स्टूडेंट एज ऑलरेडी टोल्ड यू एफ आई सी सी आई डेट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये बेसिकली नेशनल लेवल पे एसोसिएशन बनाया गया था बिजनेस मैन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करने के लिए सो स्टूडेंट इट वॉज सेटअप वे बैक इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री सो बेसिकली स्टूडेंट एफ आई सी सी आई जो है वो नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में सेटअप किया गया था और ये सबसे पुराना कंट्री का बिजनेस एसोसिएशन है जो कि बिज़नेस और उनसे जुड़े हुए लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अ गवर्नमेंट एसोसिएशन सो स्टूडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए सेट नहीं किया गया था प्रॉफिट मोटिव के लिए सेटअप नहीं किया गया था ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है या एसोसिएशन जो है ये एक सर्विस मोटिव के लिए सेटअप किया गया था और इनका सर्विस मोटिव यह था कि ये बिज़नेस और उनसे जुड़े हुए लोगों के इंटरेस्ट को सेफ करें और उन्हें प्रोटेक्ट करें एंड इट इज़ नॉट अ गवर्मेंट एसोसिएशन सो बेसिकली ये कोई गवर्नमेंट एसोसिएशन भी नहीं ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं लॉन्च किया है ओके okay? ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है इट प्रोवाइड द नेटवर्क फॉर डिस्कशंस एंड इज़ अ मीटिंग प्लेस फॉर स्टॉल वार्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड पीपल मेकिंग द पॉलिसीज़ सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिस्कशंस के लिए यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ और प्लान्स को लेकर के डिस्कशंस किए जाते हैं जो कंट्री के कॉमर्स और इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं सो बेसिकली स्टूडेंट ये एक मीटिंग प्लेस है उन सारे ऑनेस्ट हार्डवर्किंग लॉयल बिजनेसमैन मैन और इंडस्ट्रीज के लिए जो यहाँ पर बिजनेस मैन के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाते हैं स्टूडेंट्स एफ़ आई सी सी आई ऑल्सो आर्टिकुलेट्स एंड फॉरवर्ड्स प्रॉब्लम डेट द इंडस्ट्री मे बी फेसिंग स्टूडेंट्स एफ आई सी सी आई बेसिकली पुट फॉरवर्ड एंड स्पीक अबाउट द प्रॉब्स विच इंडस्ट्रीज आर फेसिंग सो स्टूडेंट एफ आई सी सी आई बेसिकली उन सारे चीज़ों के बारे में सामने आकर के बोलता है जिससे आपकी इंडस्ट्रलिस्ट और बिजनेस मैंस को प्रॉब्लम हो रही होती है ओके okay? सो स्टूडेंट आई होप आपको ये एफ आई सी सी आई बेसिकली क्यों सेटअप किया गया था आपको क्लियर हुआ होगा विद दिस स्टूडेंट वी हैव एनदर एसोसिएशन दैट इज एसओम सो स्टूडेंट एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया स्टूडेंट इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन टवेंटी एंड इट हैज़ रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमर्स एंड द इंटरनल ट्रेड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया सो बेसिकली स्टूडेंट एसओचम जो है वो 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये रिप्रेजेंट क्या करता था ये इंडिया के कॉमर्स और इंटरनल ट्रेड इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता था और उसको रिप्रेजेंट करता था इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी डिस्कशंस एंड फार्मोलेटिंग प्लान फॉर द सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ़ द इंडस्ट्री सो स्टूडेंट्स लाइक एफ आई सी सी आई दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन डेट इज एस ओच प्रोवाइड अ जहाँ पे डिश्कसन्स किए जाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर के गवर्नमेंट के प्लान्स को लेकर के बेसिकली यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ और प्लान्स को लेकर के डिस्कशंस होता है जो कि कंट्री के कॉमर्स और इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं मोर ओवर स्टूडेंट यहाँ पे प्लान्स को फॉर्मुलेट भी किया जाता है जो कि इंडस्ट्री की ग्रोथ और सेफ्टी के लिए होता है सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाने के साथ साथ कुछ ऐसे प्लान्स भी फॉर्मुलेट किए जाते हैं जो कि इंडस्ट्री को कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ाएं भी और उसे सेफ भी रखें ओके स्टूडेंट्स एस आल्सो ऑल्सो रिप्रजेंट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल इन्वॉल्व विद द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज सच एस चार्ट अकाउंटेंट्स लॉयर्स कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा सो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो है एस ओचम ये रिप्रजेंट करता है उन लोगों के इंटरेस्ट को भी जो कि बिजनेस से जुड़े होते हैं कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जैसे कि आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए लॉयर्स हो गए कंसल्टेंट्स हो गए सो बेसिकली जो भी लोग ट्रेड और इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए होते हैं उन पर्टिकुलर लोगों के भी इंटरेस्ट को ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है सेफ करता है उनकी जो भी बातें हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लेकर के आता है जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स भी लोगों के सामने आ सकें और जो भी प्लान या पॉलिसीज़ बन रहे हैं उन लोगों के बेनिफिट के लिए बने ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव सम रोल्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ सो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ऐसे रोल हैं कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री परफॉर्म करता है सो स्टूडेंट फर्स्ट रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का मतलब है गुड्स आर बेसिकली मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर सो स्टूडेंट जब आपके गुड्स जो हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाए जाते हैं या दूसरी स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पहुंचाए जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके गुड्स जो हैं वो यूपी से राजस्थान गए हैं या राजस्थान से यूपी आए हैं सो बेसिकली यहाँ पर कैसा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सो so, स्टूडेंट नंबर ऑफ लॉजिस्टिक्स और लॉट ऑफ गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एवरी डे एक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स एंड दीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स असिस्ट इन अ फ्यू ऑफ दीज लॉजिस्टिकल ईशोज़ सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स ई वे बिल्स ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा सो बेसिकली स्टूडेंट ये चैम्बर ऑफ कामर्स जो है इन लॉजिस्टिकल ईशूज से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सब देखते हैं जैसे कि व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे उन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कराना है कैसे ई वे बिल्स को प्रोड्यूस कराना है कैसे ई वे बिल्स को यूज़ करना है कैसे ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ बननी चाहिए क्या इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है इन सारी चीज़ों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो वर्क करता है इन फैक्ट इस्टूडेंट समीज एसोशिएशन आल्सो प्रमोट बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ सो स्टूडेंट कुछ एसोशिएशन ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को भी प्रमोट करते हैं मोर ओवर स्टूडेंट्स दे आर रिस्पांसिबल फॉर सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाईवे रेल पोर्ट्स एक्सेट्रा ऑफ द कंट्री सो बेसिकली स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कराते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाते हैं जैसे कि ये कुछ हाईवेज़ के निर्माण करते हैं रेलवेज बनाते हैं रेल्स बनाते हैं पोर्ट्स बनाते हैं जिससे कि कंट्री में इंटरनल ट्रेड जो है वो और स्मूद हो सके स्टूडेंट एफ जिसको हम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी बोलते हैं इन्होंने विद एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने गोल्डन क्वार्रिलेट्रल कॉरिडोर बनाए हैं डेट इज एक नेशनल हाईवे बनाया है जो कि दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है जिससे कि कंट्री का इंटरनल ट्रेड और भी स्मूथ हो सके ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेट इज टैक्सेज एंड लेवीज सो स्टूडेंट दीज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर ऑलवेज कंसल्टेड वेन इट कम्स टू टैक्सेज ऑफ ट्राइल लेवीज एक्सेट्रा ऑन गुड्स एंट्रिंग स्टेट स्टूडेंट्स जब भी हम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी पर्टिकुलर स्टेट ट्रैवल करते हैं या हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है सो so, स्टूडेंट जब भी इन टैक्सेस ऑक्ट्राए और, और लेवीज़ की बात होती है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उनसे हमेशा सलाह लेकर के ही इन पर्टिकुलर टैक्सेस ऑक्ट्राए और, और लेवीज़ के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ और प्लान्स फार्मूलेट किए जाते हैं ओके स्टूडेंट सच टैक्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटरनल ट्रेड स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर ओक्ट्राई हो गए टैक्सेस हो गए लेवीज हो गए ये सब गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनल ट्रेड का स्टूडेंट फॉर एग्जांपल व्हेन द रीसेंट जीएसटी लॉज वर बीइंग फ्रेम्ड ऑल दीज एसोसिएशन वर अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन एंड द फ्रेमिंग प्रोसीजर्स सो so, स्टूडेंट अभी रिसेंटली हमारा नया टैक्स आया है जिसको हम जी बोलते हैं स्टूडेंट्स जी एस टी केम इन टू ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन और जब ये जी एस टी लॉज बन रहे थे इसके रिगार्डिंग प्लान्स और पॉलिसीज़ बन रही थी उस पर्टिकुलर डिस्कशन में ये एसोसिएशन जो थे वो एक्टिव पार्ट ले रहे थे उस समय जो भी पॉलिसीज़ प्लान्स और प्रोसीजर्स बने वो सब एसोशिएशन के सामने ही बने थे ओके स्टूडेंट एफ आई सी सी आई एस ओ एच एम इवन हेल्ड सेमिनार्स लेक्चर्स एंड सर्वे टू एजुकेट द बिजनस मैन ऑन जी एस टी प्रोसीजर्स सो स्टूडेंट दी इन एसोशिएशंस ने जैसे कि आपके एफ आई सी सी आई हो गए एस एच एम हो गए इन लोगों ने बेसिकली इन एसोशिएशन्स ने बेसिकली सेमिनार्स और लेक्चर्स और सर्वेज जो हैं वो कराए थे जिससे कि बिज़नेस मैन को हम अवेयर करा सकें रिगार्डिंग जी एस टी प्रोसीजर्स क्या पर्टिकुलर या नया टैक्स है क्या नहीं है क्या क्या इसमें लिमिटेशंस हैं क्या इसके मेरिट्स हैं इसके फीचर्स क्या हैं कैसे इसको फाइल करना है तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग इन दोनों एसोसिएशन ने सेमिनार्स और लेक्चर्स हेल्ड करवाए थे ओके स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द दिस पर्टिकुलर जी एस टी टैक्स आई विल टीच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सो यू हैव टू बी स्टे यून रेस्ट स्टूडेंट दे आर दे आर द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल बिजनेस मैन सो बेसिकली स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो हैं वो मेन सोर्स है कम्युनिकेशन का बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल बिज़नेस एक पर्टिकुलर बिज़नेस और गवर्नमेंट के बीच के जो इंटरमीड्री हैं और या आप बोल सकते हैं मेन सोर्स हैं जो कि इन लोग के बीच में कम्युनिकेशन को लेकर के जाते हैं बेसिकली स्टूडेंट ये एसोसिएशन जो हैं वो बिज़नेस मैंस को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर इन लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई भी चीज़ें इनको नहीं समझ में आ रही होती हैं गवर्नमेंट की सो so बेसिकली इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनकी प्रॉब्लम्स को इनके चीज़ों को सामने लेकर के आते हैं गवर्नमेंट के ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव एनदर रोल डेट इज़ दे हेल्प प्रोवाइडेड टू एग्रो प्रोडक्ट्स सो बेसिकली स्टूडेंट दीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इन इंटरेक्ट विद फार्मिंग एसोसिएशन एंड कॉपरेटिव सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो एसोसिएशन हैं वो फार्मिंग एसोसिएशन और कोऑपरेटिव से भी इंट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स दे हेल्प सच सोसाइटीज़ मार्केट एंड सेल एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स बेसिकली स्टूडेंट ये डिफरेंट सोसाइटीज़ और मार्केट में इंट्रैक्शन करते हैं और ये हेल्प करते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में ईजिली सेल हो सके दीज एसोसिएशन विल इवन प्रोवाइड असिस्टेंस इन ऑप्टेनिंग एंड स्ट्रीम लाइनिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज़ अफोर्डेड टू सच एग्रो प्रोडक्ट स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो हैं वो हेल्प प्रोवाइड करती हैं नॉपटेनिंग द गवर्नमेंटल सब्सिडीज़ टू अफोर्ड सच एग्रो प्रोडक्ट्स बेसिकली स्टूडेंट एग्रो प्रोडक्ट्स को अफोर्ड करने के लिए गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडीज़ हैं उन सबको प्रोवाइड कराने में ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स दीज फेडरेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ सच सेकेंडरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर फेडरेशन जैसे कि एफ के एफ आई सी सी आई हो गया एस एच एम हो गए ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज जो कि सेकेंडरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करने में ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डैट इज असिस्टेंस विद मेट्रोलॉजी स्टूडेंट्स सच फेडरेशन हेल्प विथ फॉर्मिंग लॉज रिलेटेड टू वे एंड मेजर्स मेट्रोलॉजी एज वेल सो स्टूडेंट मेट्रोलॉजी का मतलब होता है वेड्स एंड मेजर्स सो बेसिकली ये पर्टिकुलर फेडरेशन जो हैं वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी लॉज को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं दिस इज़ टू इंश्योर डेट नीदर द ट्रेडर नॉर द कस्टमर गेट्स चीटेड इन एनी वे सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर वेट्स और मेजर से रिलेटेड जो भी लॉज बनते हैं वो बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि आपके ट्रेडर और कस्टमर्स दोनों ही चीटेड ना फील करें दे इवन इंश्योर डेट ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैव देयर कॉपी राइट एंड नो वन इज इन्फ्रिंजिंग ऑन इट्स सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एसोसिएशन जो हैं वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉपीराइट लिया जाए उनका बेसिकली ट्रेडमार्क लिया जाए जिससे कि उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो अच्छे प्रोडक्ट हैं मार्केट में उन्हें कोई कॉपी ना कर सके और उनका डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में सेल ना कर सके स्टूडेंट दीज फेडरेशंस लाइक एफ आई सी सी आई ऑल्सो टेक अप द कॉज ऑफ प्रॉपर लेबलिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग ऑन द पैकेजिंग सो स्टूडेंट कुछ ऐसे फेडरेशन जैसे कि आपके एफ आई सी सी आई ये बेसिकली क्या करते हैं ये इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए उस पर वार्निंग्स लिखी होनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस गिवन होने चाहिए उनकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए सो so बेसिकली ये सारी चीज़ें भी फेडरेशन्स जो हैं वो देखते हैं विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डैट इज़ लेबर लेजिसलेसन सो बेसिकली स्टूडेंट द गवर्नमेंट एंड द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर कॉन्स्टेंटली हैविंग डायलॉग्स अबाउट द लेबर लॉज ऑफ़ अवर कंट्री एंड द इम्प्रूवमेंट डाटेड नीड्स सो बेसिकली स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये जो इंडियन चैम्बर्स हैं जैसे कि आपके एफ आई सी सी आई हो गए आपके एस ओचएम हो गए सो बेसिकली स्टूडेंट इन लोग के कॉन्टिनसली डायलॉग रहते हैं कॉन्टिनसली ये लोग आपस में बात करते रहते हैं लेबर लॉस के रिगार्डिंग कंट्री में कैसे लेबर के के लिए लॉस बनाए गए हैं कैसे लजिस्लेशन्स पास किए गए और कैसे हमें उन्हें इम्प्रूव करना है इसके लिए आपके एफ आई सी सी आई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कॉन्टीनसली बात होती रहती है कॉन्टीन्यूसली इसके प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए जाते रहते हैं लेबर लेजिस्लेशन इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ट्रेड इंडस्ट्रीज सो बेसिकली स्टूडेंट ट्रेड इंडस्ट्रीज में लेबर लेजिस्लेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल ट्रेड इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड मेंटेनिंग पीस विद द वर्क फोर्स इज इसेंशियल सो स्टूडेंट इंडिया में इंडिया जो है वह आपकी लेबर इंटेंसिव कंट्री है यहाँ पर लेबर जो है वो अबेंडेंस में है और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बेसिकली लेबर प्रोड्यूस करते हैं या लेबर जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं सो बेसिकली स्टूडेंट इंटरनल ट्रेड में लेबर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन लोगों के साथ जो है सही से वर्क किया जाए सही से इनको सारी मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाए इन लोग का ख्याल रखा जाए इन लोग की भी इंटरेस्ट को सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर जो एसोसिएशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बात करती रहती है इन लोग के लिए नए नए लॉज बनाती रहती है ओके सो स्टूडेंट

आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क्लियर हुआ हो प्लीज़ स्टूडेंट गो थ्रू योर बुक रीड इट फ्रॉम देयर एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज टू मी एंड स्टूडेंट्स इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक माई वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके थैंक यू